आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बौखला गए। उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, उनके प्रमुख सचिव बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, रश्मि मेटेलिक वाले बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, मेरे ऊपर एक विधायक से एफआईआर करा दी। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि सरकार जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे से बौखला गई है, घबरा गई है, और एनआरएचएम घोटाले में जिस तरह से हत्याएं हुई थी, जिस तरह से सबूतों को मिटाने की तमाम कार्रवाइयां हुई थी, मैं आज इस पत्रकार वार्ता में कहना चाहता हूं, वो घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती हैं, वैसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं इस घोटाले को रोकने के लिए। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी की सरकार को कहना चाहता हूं, आप जितने चाहे मुकदमे कर लीजिए, जितनी बार चाहे जेल भेज लीजिए, जितने चाहे आप नोटिस भिजवा लीजिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार का खुलासा एक नहीं 1000 बार करूंगा। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, भुगतने के लिए तैयार। मैंने पिछले दिनों जल जीवन मिशन में एक महाघोटाले का खुलासा किया था, और जब मैंने ये खुलासा किया था उस वक्त के भी मेरे शब्द आप याद कर लीजिए, मैंने कहा था ये एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के तमाम महाघोटाले भूल जाएंगे, और इस घोटाले के खुलासे के बाद, जल जीवन मिशन में हुए खुलासे के बाद, जिस तरह से आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, उनके प्रमुख सचिव बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, रश्मि मेटेलिक वाले बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, मेरे ऊपर एक विधायक से एफआईआर करा दी। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि सरकार जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे से बौखला गई है, घबरा गई है, और एनआरएचएम घोटाले में जिस तरह से हत्याएं हुई थी, जिस तरह से सबूतों को मिटाने की तमाम कार्रवाइयां हुई थी, मैं आज इस पत्रकार वार्ता में कहना चाहता हूं, वो घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती हैं, वैसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं इस घोटाले को रोकने के लिए। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी की सरकार को कहना चाहता हूं, आप जितने चाहे मुकदमे कर लीजिए, जितनी बार चाहे जेल भेज लीजिए, जितने चाहे आप नोटिस भिजवा लीजिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार का खुलासा एक नहीं 1000 बार करूंगा। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, भुगतने के लिए तैयार। और मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, इन नोटिसों को पाने के बाद भी आज दोहरा रहा हूं कि ये घोटाला महाघोटाला है, और इसमें आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनके प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, रश्मि मेटेलिक कंपनी और सरकार के तमाम इंप्लॉई शामिल हैं, तमाम अधिकारी, आलोक कुमार सिन्हा जो इनका एससी है, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। मैं इन बातों को आज फिर से दोहरा रहा हूं, और इनकी नोटिसें पढ़ रहा था मैं, तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि साहब आपने योगी बाबा और 40 चोर कह दिया, इसलिए मुझे दुख हुआ। जो सरकार ऑक्सीमीटर का घोटाला करे, जो सरकार थर्मोमीटर का घोटाला करे, जो सरकार बच्चों के 8 लाख के वेंटिलेटर को 22 लाख में खरीदे, जो सरकार बच्चों के मिड डे मील का पैसा खा जाए, जो सरकार बच्चों के सरकारी स्कूल का पैसा खा जाए, जो सरकार 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदे, जो सरकार
9 करोड़ रुपए कस्तूरबा में बच्चियों के खाने का पैसा डकार जाए, उसमें तो 40 नहीं कई 100 अधिकारी शामिल होंगे। मैंने तो सिर्फ अली बाबा और 40 चोर कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। दरअसल मुझे तो यह कहना चाहिए कि योगी बाबा और हजारों चोर की सरकार चल रही है, इसमें कितने कितने चोर शामिल है। दूसरा उनका अधिकारी है, उसने कुछ कहा, अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। यह है, मैं उस दिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे उनके ऊपर दया आ रही थी। मुझे तो लगा आदित्यनाथ जी ने बड़ी समझदारी से देखकर समझकर इनको मंत्री बनाया होगा, लेकिन मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं, वो रश्मि मेटेलिक की सफाई दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमने अपनी ओर से कोई टेंडर नहीं दिया, एक तरफ वो कह रहे हैं हमने कोई ठेका नहीं दिया, और दूसरी तरफ रश्मि मेटेलिक के समर्थन में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे करते रहे। आपका क्या इंटरेस्ट है मैं फिर दोहरा रहा हूं और मैं एक एक करके बता रहा हूं। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी ने यह आरोप लगाया कि बड़ी रेपुटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका यह पहला पेपर है 10 फरवरी 2012 को रेलवे में 1,000 करोड़ की चपत लगाने के लिए सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। 1,000 करोड़ के घपले और घोटाले में सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक पे मुकदमा दर्ज किया है। दूसरा कागज यह है रश्मि मेटेलिक के ऊपर 30 करोड़ की चोरी में, कर चोरी में 18 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज हुआ है। 18 जनवरी 2013 को इसी कंपनी पर 30 करोड़ की कर चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। तीसरा 4.5 करोड़ की कर चोरी में डीआरआई ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, और सिर्फ मुकदमा दर्ज किया नहीं, 27 नवंबर 2019 को इनके मालिकान को, इनके एम्प्लॉइज को गिरफ्तार करने का काम किया है। तो ये इस कंपनी के पैरवी में आप खड़े हैं? ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी के बारे में आप सफाई दे रहे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? दूसरा उनका अधिकारी आ जाते हैं अनुराग श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं 29 साल का उनका सरकारी जीवन हो गया, बड़ा बेदाग जीवन है। जब ये कमिश्नर थे तो इन्होंने, हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी इनके ऊपर ऑर्डर की है एज ए मेरठ कमिश्नर। ये वही अनुराग श्रीवास्तव हैं जो अपने 29 साल की नौकरी को बेदाग बता रहे हैं। दूसरा, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बस्ती के डिविजनल कमिश्नर और अनुराग श्रीवास्तव जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं उनको ट्रांसफर किया था, क्योंकि उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया था। ये इन लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट है। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कोई काम नहीं दिया गया, मैं बार बार दिखाया था कागज, शायद महेंद्र सिंह जी देख नहीं पाए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं रश्मि मेटेलिक को कोई टेंडर नहीं दिया गया, रश्मि मेटेलिक को पाइप सप्लाई का कोई काम नहीं दिया गया, तो मेरे सिर्फ इस पत्र का जवाब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दे दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं महेंद्र सिंह जी, आप आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री हैं, और मैं सुन रहा था कि भाजपाई कभी कभी बचकानी बातें करते हैं, कह रहे हैं संजय सिंह आरोप लगा के भाग गए, ये हो गया वो हो गया। अरे आदित्यनाथ जी से तो पूछ लेते, 9 मुकदमा लिखा था उन्होंने तो जाके विधानसभा में मैं बैठ गया था। सच के लिए लड़ता हूं और किसी से डरता नहीं। इस पत्र का जवाब आप दे देना।
आपकी नोटिसों से तो मैं बहुत थरथर थरथर कांप रहा हूं जब से सारी नोटिस आपने भेजी है। ऐसा मालूम पड़ रहा है रोज अखबार में छपवाना, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें आप कह रहे हैं उनको कोई टेंडर नहीं दिया गया, ये आपके अधीक्षण अभियंता आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है। ये आलोक कुमार सिन्हा अधीक्षण अभियंता लिखा हुआ है साफ तौर से, SWSM। ये SWSM जल जीवन मिशन योजना के अधीक्षण अभियंता का हस्ताक्षर है। मंत्री जी ने कहा कि संजय सिंह जी ने पता नहीं कैसे कह दिया कि 1,20,000 करोड़ की योजना है। अरे एक नहीं, कई बार आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है वांछित धनराशि, वो मोबाइल दे दीजिए, वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बताइए, आप ही लिख के दे रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें तमाम जगहों पे वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़ रुपए, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जो योजना है वो करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की है। ये सब प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, इसके सारे कागजात आप लोग भी देख सकते हैं। सरकार का जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जल जीवन मिशन योजना का, उसमें दिया हुआ है कि 1,20,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित राशि होगी अगर ये पूरी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है। तो आप मुझे बताइए, आप एनजीओ को काम देने के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, जल निगम जैसी संस्था को तो आपने मार दिया बिल्कुल, जिस संस्था का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, ट्यूबवेल लगाने का, वाटर हेड टैंक बनाने का, पाइपलाइन बिछाने का, उस संस्था को आपने दो भागों में बांट दिया, उसके एम्प्लाई दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तनख्वाह पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस संस्था को आपने काम नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया उसका भी कारण मैंने आपको बताया था, वो सारे कागजात पिछली बार भी दिखाए थे, आज भी लेके आया हूं, आज भी दिखा सकता हूं। जो हमारा जल निगम विभाग कार्य कराता है उससे 30% 40% एबव रेट पे जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है, 40% एबव रेट पे। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1,20,000 करोड़ की योजना है तो इसमें पूरा जो भ्रष्टाचार की आपने योजना तैयार की है वो तो 30-40 हजार करोड़ की योजना आपने तैयार कर ली है। बंदरबाट चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक खेल जारी है आपका। तो मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मॉनिटर्ड SIT से जांच होनी चाहिए, CBI से जांच होनी चाहिए, और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएगी, आंदोलन चलाएगी। और हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि ये पानी चोरी का मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, बालू अड्डा में लोग दूषित पानी की वजह से मर जाते हैं, अस्पतालों में बीमार होकर पड़ते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदित्यनाथ जी की सरकार घर घर पानी पहुंचाने की योजना में भी भ्रष्टाचार कर रही है, लूटखोरी कर रही है, और उनके तमाम अधिकारी और मंत्री मिलकर यह काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डाला जाता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, मेरी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत लोकायुक्त में भी कर दी गई है और इसमें हम न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं,
ये एनआरएचएम घोटाले से बड़ा महाघोटाला है। और इसलिए इसमें जिस हद तक कार्रवाई करनी पड़ेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। वहां वहां हम लोग जाएंगे। 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के अंदर मटका फोड़ो आंदोलन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा। ये मटका फोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में किए गए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। ये मटका फोड़ आंदोलन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दूषित पानी मिल रहा है और जो उसको पानी पहुंचाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके खिलाफ होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।